साथियों, मैं दुनिया में जब जाता हूं तो बातें तो करते ही करते हैं, अनेक विषयों पर अपनी स्पष्ट बात रखते भी हैं, लेकिन मैं कभी भी भारत की बात पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ता। इस बार मैं जिन देशों में गया, ज्यादातर उसका मूल सामर्थ्य आदिवासी समाज से है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पैसिफिक आइलैंड के देश हो, और इसलिए इस बार मैं उनके लिए जो भेंट सौगात लेके गया था वो मेरे देश के आदिवासियों के सम्मान को लेकर के गया था। मेरे आदिवासी समाज में जिन कृतियों का निर्माण होता है मैं उसे ले गया था, और मैंने मेरे देश के आदिवासी समाज का सामर्थ्य और उन देशों के आदिवासी समाज का सामर्थ्य उसको जोड़ने के लिए एक सिंबॉलिक रूप में मैंने इसका भी ध्यान रखा था। दोस्तों, चीजें कभी कभी छोटी होती है लेकिन सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और मैंने ये बात तब देखी, शायद ये जानकर के आपके लिए भी नई खबर होगी, मैं जब पहली बार यूके गया था तो वहां की महारानी उस समय जीवित थी, अब तो वो नहीं रही, उन्होंने हमें भोजन पे बुलाया था। हम बहुत ही कम लोग थे, आमतौर पर प्रोटोकॉल में वो सामने बैठते हैं, हम इस तरफ बैठते हैं, लेकिन उन्होंने एक मां की तरह अपनी सीट छोड़ करके मेरे बगल में बैठ करके, देखिए तुम्हारे लिए मैंने ये वेजिटेरियन बनवाया है, ये तुम्हारे लिए ये वेजिटेरियन बनवाया, मां की तरह। बाद में जो हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा आज भी प्रेरणा देता है। बाद में वो मुझे एक और कमरे में लेके गई महारानी जी, और उन्होंने मुझे उनको जो भेंट सौगातें मिली थी उसमें से कुछ चीजें दिखाई, उसमें मुझे एक छोटा सा उन्होंने हैंडकरचिप दिखाया, 4 इंच बाय 4 इंच का होगा छोटा सा, और धागे से हमारे यहां जो बनाते उस प्रकार का था। बड़े प्यार से उसको छू करके मुझे फिर मेरे हाथ में दिया, बोले आप भी देखिए इसको। मैं भी आश्चर्य था कि छोटा सा हैंडकरचिप इतने प्यार से इंग्लैंड की महारानी मुझे क्यों दिखा रही है। जब उन्होंने दिखाया तो मुझे कहा कि मोदी जी, मेरी जब शादी हुई थी, देखिए महारानी जी कह रही है, मोदी जी मेरी जब शादी हुई थी तब महात्मा गांधी ने मुझे दिया था। एक छोटा सा हैंडकरचीफ, हाथ से बुना हुआ हैंडकरचीफ, महारानी के मन पर इतने दशकों के बाद भी प्रभाव पैदा करता था। तब से मैंने समझा था कि मेरे देश की हर एक चीज की ताकत है, हर एक चीज का सामर्थ्य है, और इसलिए इस बार मैं आदिवासी समाज की जो कलाकृतियों की रचना है दुनिया के सामने लेके गया, और उन देशों को मैंने एक भेंट में दी, इस गर्व के साथ दी कि ये मेरा आदिवासी समाज है जिन्हें सदियों से महान परंपराओं को निभाया है। साथियों, आज विश्व की जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सत्कार बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही है। यह हम सबका काम है कि हम मिलजुल करके देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ाए, इतनी तेजी से आगे बढ़ाए ताकि दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में हम कभी पीछे न रहे। मैं फिर एक बार इतने जल्दी जल्दी सुबह 3 बजे से यहां पहुंचना, इस प्रकार से स्वागत सम्मान करना, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आना, दोस्तों ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं फिर एक बार आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं, और जयशंकर जी के पास तो बहुत सी अंदरूनी बातें होती है,
आज समय अभाव में उन्होंने बहुत कम बताई, लेकिन कभी उनके साथ बैठोगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया को 50 साल का उनका अनुभव है विदेश विभाग का, लेकिन इन दिनों एक नया रूप देख रहे हैं दुनिया का, और हम भी उस कंपैरिजन को देखते हैं जी। ये जो बदलाव है वो अपने आप में 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य है। जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, नहीं मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान शत प्रतिशत 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है, और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।